हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि नेट यूजीसी एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, आपकी जो वेट है वो ख़त्म हो गई है। रजिस्ट्रेशन इस एग्ज़ाम की कल से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 1 सितंबर से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। आइए जानते हैं कब से लेकर कब तक आप रजिस्टर करवा सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम कब होगा और क्या क्या चेंजेस आए हैं इस साल। उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब UGC ने रजिस्ट्रेशन के लिए 1 सितंबर डेट फिक्स कर दी है, यानी कि 1 सितंबर से 30 सितंबर, पूरा 1 महीना आपके पास है। आप अगर पेपर देना चाहते हैं अपकमिंग दिसंबर एग्ज़ाम, तो आप अपने आप को 1 महीने के अंदर अंदर इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने ज़रूर ध्यान रखनी है कि इस साल जो है वो रजिस्ट्रेशन आप NTA की वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करेंगे। इस साल CBSE जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवा रहा। UGC-NET की जो एग्ज़ाम है पहले भी 2 बार ही होते थे और इस साल भी जो है वो 2 बार ही होगा। पहले जुलाई का अटैम्प्ट, उसके बाद दिसंबर का। तो जुलाई का अटैम्प्ट तो हो चुका है इस साल का, अब है दिसंबर का अटैम्प्ट। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि दिसंबर का जो अटैम्प्ट होगा उसमें कंप्यूटराइज पेपर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको कंप्यूटर दिया जाएगा और कंप्यूटर पर बैठकर ही आप अपना पेपर जो है आंसर की सबमिट करेंगे। UGC की जो एग्ज़ाम होंगे वो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेंगे, यानी कि आपके पास काफ़ी ड्यूरेशन है। आप अपनी मर्जी से कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं जब आपने एग्ज़ाम देना है। कैंडिडेट्स 19 नवंबर से अपना एडमिन कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और एडमिन कार्ड जो है वो भी आपने NTA की वेबसाइट पर जाकर ही डाउनलोड करना है। UGC जो इसका रिज़ल्ट है वो ये कह रही है कि 10 जनवरी 2019 तक वो निकाल देंगे। इसका मतलब है कि अगर 23 दिसंबर तक पेपर होने हैं तो विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर इसका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ चेंजेस लिखे हैं जो कि आपने ध्यान में देने हैं। सबसे पहला तो इस बार जो है NTA एजेंसी ही इसको कंडक्ट करवाएगी, CBSE नहीं कंडक्ट करवाएगा। दूसरी बात, जैसे कि पिछली बार जो चेंजेस आए थे कि सिर्फ 2 पेपर हो गए थे, 3 पेपर नहीं रहे, तो इस साल भी इसी पैटर्न को कंटिन्यू किया गया है। 2 ही पेपर होंगे, पहला पेपर जनरल और दूसरा पेपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। और टोटल मार्क्स जो है दोनों एग्ज़ाम्स के कितने होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा। जो पहला एग्ज़ाम है उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर आएगा। और अगर पेपर 2 की बात करें तो उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे, वो भी हर क्वेश्चन 2 नंबर का ही होगा और टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। इस तरह से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर टोटल 300 नंबर जो है वो उसका पेपर आएगा। नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस, आपको सारे क्वेश्चन जो है करने पड़ेंगे। और पेपर करने के लिए जो टाइम दिया गया है वो कितना है, 2 घंटे का टाइम ही होगा। मतलब बाकी कोई चेंज नहीं आया, बस आपका जो कंप्यूटराइज हो गया है वो एक चेंज है। इसलिए जब भी आप तैयारी करो तो आप कोशिश करो कि आप नेट के ऊपर बैठकर वहाँ पर मॉक टेस्ट दीजिए, वहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आई होप फ्रेंड, अब रजिस्ट्रेशन की डेट आ गई है, आप अपने आप को जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवाएंगे।
मेरे YouTube चैनल पर UGC-NET से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, उन वीडियोस को देखिए, वो वीडियो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड लाइक माई वीडियो।